अगर ब्लैक होल्स काले होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा अंधेरा होता है तो फिर ये नजर कैसे आते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है कि ब्लैक होल इनविजिबल होते हैं, ये बिल्कुल भी नजर नहीं आते। इनको देखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तब होता है जब ब्लैक होल्स बहुत सारे सितारों को निगल लेते हैं, तो फिर तारे से बची खुची धूल और गैसेस ब्लैक होल के इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। दोस्तों ब्लैक होल के आसपास होती है एक्रेशन डिस्क, लेकिन जो ब्लैक होल के अंदर वाला पार्ट है वहाँ बिल्कुल अंधेरा है और उसे इवेंट होराइजन बोला जाता है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता और वहाँ जाने वाली कोई भी चीज वापस नहीं आती। ये ऐसा है जैसे कि एक अंधा कुआं। क्या होगा अगर हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन जाए? क्या ये हमारे सोलर सिस्टम को तबाह कर देगा? तो इसका जवाब है कि सूरज कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि सूरज एक बहुत ही छोटा सितारा है। जितनी एनर्जी एक ब्लैक होल को चाहिए होती है उतनी सूरज में नहीं है। जब 5 अरब साल के बाद सूरज की जिंदगी पूरी होगी तो हमारा ये सूरज लाल हो जाएगा और ये क्रेडिट जॉइंट स्टार बन जाएगा और फिर आखिर में हमारा सूरज एक व्हाइट स्टार बन जाएगा और बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन चुका है, तो इससे हमारे सोलर सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी प्लैनेट्स उस ब्लैक होल के आसपास घूमने लगेंगे, लेकिन होगा ये कि हमें सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, जिससे हमारे अर्थ पर जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर ब्लैक होल्स इतने खतरनाक होते हैं कि वो अपने आसपास की किसी भी चीज को नहीं छोड़ते, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ब्लैक होल्स हमारी गैलेक्सी को ही खा जाएं? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। माना कि ब्लैक होल बहुत ही पावरफुल होता है, लेकिन इतना पावरफुल नहीं होता कि ये पूरे यूनिवर्स को निगल ले, क्योंकि ये गैलेक्सी बहुत ज्यादा बड़ी होती है और ब्लैक होल उसके सामने कुछ भी नहीं है।